ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे बहुत ही अजीज़ बड़े भाई आनंद कुमार सी, जो मुझे बहुत प्यार करते थे और हमारे फैमिली रिलेशंस थे, मुझे उन्होंने बच्चा देखा हुआ है, और मेरे गुरुजी पंडित जियालाल वसंत और आनंद भैया के बड़े भाई और गुरु समान बंसीलाल जी, वो हमारे बिल्कुल घर के मेंबर थे। तो मेरे गुरुजी के बहुत अच्छे दोस्त थे और ऑलमोस्ट हफ्ते में 3-4 बार आना होता था उनका हमारे यहाँ। और बचपन से आनंद भाई और हम लोगों ने, मतलब मेरे बचपन से, साथ में काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं हम लोगों ने। उनकी भी आइटम होती थी, हमारे बच्चों की भी आइटम होती थी। और पिछले, जब तक वो इस दुनिया में रहे, बहुत बहुत प्यार मिला मुझे, और हम लोगों ने साथ में कम से कम नहीं तो भी 45 साल इकट्ठा काम किया है। ऑलमोस्ट रोज़ रिकॉर्डिंग में मुलाकात होती थी उनसे, और मुझे हमेशा प्यार से बाबू राजा बोलते थे। और इतना सिंपल, शांत और इतना बड़ा आर्टिस्ट, और सडनली लास्ट ईयर हम सबको छोड़ के चले गए। वो बहुत बुरा लगा, मैं था नहीं यहाँ पे, और आज उनकी बरसी पे शैलेंद्र ने और राजा देवेंद्र ने मुझे याद किया, उनको उनके लिए श्रद्धांजलि के रूप में गाने के लिए, जिसके लिए मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। और आनंद भाई को हम सब लोगों ने आज दिल से याद किया उनको, इसमें कोई शक नहीं है। और बस उनका आशीर्वाद ऐसे ही उनके बच्चों पे, हम सब पे बना रहे, यही मैं प्रार्थना करूँगा आज के मौके पे। जी, हमने तो उनसे बहुत बचपन से ही, उनको घर में ही गाना था तो हम बिल्कुल गाना गा रहे थे साथ साथ में, लेकिन उनके गाने के साथ साथ में हमने सुरेश भाई साहब जैसे महान अच्छे अच्छे विद्वान कलाकारों को सुनते सुनते हमारी उम्र बड़ी हुई है। तो आज का जो कार्यक्रम इन्होंने हमारे पिताजी की याद में किया है, इन्होंने वाकई में हम पर एक बहुत बड़ा, एक मैं कहूँगा कि उपकार किया है कि हमारे पिता को, नहीं हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप देखिए, पिताजी जब तक थे तब तक वो आ सकते थे, मिल सकते थे, वो इज्जत होती, लेकिन उनके जाने के बाद उन्होंने आज जो हम बच्चों के ऊपर, हम दोनों भाइयों के ऊपर जो आपने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, हम जीवन भर आपके कृतज्ञ रहेंगे इनको सुन सुन कर। और मुझे आज की कार्यक्रम में ऐसा लगता है कि अगर मैं अतिशयोक्ति ना करूँ और अगर सही कहूँ तो मुझे लगता है बहुत सालों से बम्बई शहर में ऐसा संगीत का कार्यक्रम नहीं हुआ होगा। बहुत ही अद्भुत गाया भाई साहब ने, बहुत ही अच्छा गाया, इतना अच्छा गाया कि हमारे पास शब्द नहीं है। आए हुए सभी लोग, एक एक व्यक्ति अपना दिल भर के जा रहा है। हम भी आनंद भैया को सुनने जाया करते थे जब छोटे छोटे थे, उनके प्रोग्राम्स होते थे रेडियो पे भी गाते थे बहुत, वो टीवी पे भी गाते थे, जी हाँ, फिल्मों में भी गाते थे, हिंदी फिल्मों में, गुजराती फिल्मों में बहुत काम किया है उन्होंने, उनको सुन सुन के भी हम लोग बड़े हुए हैं। नहीं, वो भी जरूरी है, मगर अपने आप को अगर प्रूव करना है तो भारतीय संगीत सीखना बहुत हर विद्यार्थी को बहुत जरूरी है, और अगर वो सीखेगा तो ही कुछ कर पाएगा, क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं, देखिए जैसे डॉक्टर के पास अगर आप जानते नहीं हो कि कोई डिग्री, बिना डिग्री वाला डॉक्टर है, उसके पास तो जाएंगे नहीं, सबसे पहले तो ये देखेंगे उसके पास क्या क्या डिग्रीज है, तभी आप जाएंगे उसके पास। ऐसे गाने में भी होता है, आप अगर बाकायदा गाना बजाना सीखा नहीं हो, जानते नहीं हो, तो आप हवा में ही गाओगे। अगर आप सीख के जान के गाओगे तो अलग गाओगे, और अननोनली गाओगे तो अलग गाओगे, तो सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अपने पिताजी को इतनी अच्छी श्रद्धांजलि, इससे बढ़कर कुछ और नहीं हो सकता।
कि सुरेश वाडकर जी जैसे एक अच्छे गायक जो शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत दोनों पे मास्टरी रखते हैं, तो ऐसे गायक का वहाँ पे गाना होना जी। और मेरे ख्याल से शैलेंद्र जी को ज़्यादा मैं थैंक यू बोलूँगा कि इस अवसर पर मुझे आने का मौका मिला। अरे राम भाई, बस आपने आकर के शोभा बढ़ाई। हम लोग जो संगीत की सेवा कर रहे हैं तो ऐसे प्रोग्राम्स जब होते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है और एक संगीत का वातावरण अच्छा निर्माण होता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके पिताजी के आशीर्वाद मुझे भी मिले, इसलिए मैं यहाँ आया था। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये फंक्शन बहुत अच्छा रहा और शैलेंद्र जी ऐसा ही हर साल करते रहे, आपका साथ रहेगा और हर अच्छे कलाकार को बुलाए। बिल्कुल। और आप लोग भी उसको सहयोग देंगे ऐसा लगता है। थैंक यू। सर आपका क्या नाम है? और आप? घनश्याम वासवानी साहब हैं। गज़ल में आपका जो नाम है और आपकी आवाज़ की जो एक खुशबू है वो पूरे देश भर में रोज़ बर रोज़ बड़ी जवान सी घूमती रहती है। ऐसे हमारे बड़े भाई की तरह हैं श्री घनश्याम भाई। थैंक यू घनश्याम भाई, आप बधा रहे हो उसके लिए। थैंक यू। ये बेहद खुशी है और वैसे आनंद कुमार जी से मेरा बचपन से मेरा उनसे मिलना रहा। हमारे स्वामी जी थे, स्वामी रामानंद जी, वहाँ पर भजन कीर्तन हुआ करता था तो मैं तो पहले शौकिया गाया करता था और वहीं पे मुलाकात होती थी इनके चचा बंसीलाल जी, पंडित बंसीलाल जी और इनके भाई रमेश बंसीलाल जी, इन सबसे, इस पूरे परिवार से मेरा जुड़ा लगभग मेरे ख्याल से 40-45 सालों से है। और ये इनका प्यार है, आज इन्होंने हमें यहाँ बुलाया और एक अच्छी महफिल, अच्छी श्रद्धांजलि हमें कोशिश की हमने यहाँ हमें महसूस हुई। और ये इससे क्या अच्छा अच्छी बात हो सकती है कि दोनों भाई शैलेंद्र भाई और देवेंद्र भाई इतने प्यार से अपने पापा को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सेवा की और फिल्मों में, सुगम संगीत में गुजराती गाने बहुत सारे गाए और मैं खुशकिस्मत रहा कि एक प्रोजेक्ट में मैंने उनके साथ गाया था, दुर्गा सप्तशती, जो सारेगामा एचएमवी से रिलीज हुआ था। और बस वो समय ऐसा था कि अभी बुलाए पे भी नहीं भूलते हैं हम, ऐसा दौर था, बातें याद रह जाती। बिल्कुल। और मैं तो बस यही दुआ करूँगा इनको हिम्मत देते रहें और ऐसे कार्यक्रम करते रहें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये जो परंपरा चलती है संगीत की ये चलनी चाहिए। और ख़ुद भी माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। वैसे जब इनकी इन्होंने आवाज़ लगाई तो इनके पापा की याद आई और वही बुलंद आवाज़ उनका, सुरीला अंदाज, वो जो गायकी है वो जी। ये आगे चलाएंगे। बिल्कुल 100%। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। God bless you and thank you Ghanshyam bhai. May you prosper and do many of these programs in memory of papa. मैं पिछले 50 वर्षों से भी ज़्यादा इस संगीत क्षेत्र में रहे, उनकी एक खासियत थी कि उन्होंने बहुत सारा ऐसा ऐसा उम्दा काम किया इस इंडस्ट्री में लेकिन उन्होंने अपने आप को बड़ा लो प्रोफाइल रखा और उस वक्त हमें बड़ी अंदर से बड़ी कुफ्त होती थी कि इतना काम करने के बाद में भी आप इतने शांति से बिना किसी को कहे आप चुपचाप कैसे आ जाते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि वो जब फिल्मों में गाना गा के वापस आते थे घर पर तो वो कभी बताते नहीं थे कि मैंने आज फलाने म्यूजिक डायरेक्टर के लिए मैंने गाना गाया। अच्छा। लेकिन हमें तब पता चलता था जब हम उस टीवी के सामने बैठ करके कभी वो फिल्म देख रहे होते थे या कभी किसी अच्छा। क्लिपिंग में उनकी आवाज़ जब आती थी हाँ। तो हम कहते थे पापा आज हमने फलानी फलानी फिल्म में आपका गाना सुना हाँ। तो बोले हाँ उन्होंने बुला लिया था और मैंने गा लिया। और उनकी आवाज़ की खासियत थी भाई साहब की कि वो ऐसी बुलंद आवाज़ इंडस्ट्री में नहीं थी। और मुझे याद है मेरे उस्ताद जैसे बहुत सारे ऐसे उनके जो उपलब्धियां हैं उनकी उनको हम जब देखते हैं तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि उन्होंने कभी किसी से कहा क्यों नहीं। पर ये पुराने लोग थे, आज जैसे सुरेश जी आए तो सुरेश जी मेरे पिताजी ने कुछ अवार्ड लिए हैं या कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा कुछ कर दिया इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो उनको उस कलाकार को उस हस्ती को अपनी तरफ से वो श्रद्धांजलि देने के लिए आई है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सुरेश जी के लिए हमारा पूरा परिवार जीवन भर उनका कृतज्ञ रहेगा जिस तरीके से उन्होंने हमें आज यहाँ पर आशीर्वाद दिया है। और मैं आप सारी मीडिया का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया और इस कार्यक्रम को आप लोगों ने यहाँ करके बहुत अच्छे ढंग से कवर किया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आपको। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।